देवनारायण टोला से उपाध्याय टोला तक जाने में लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, और वहाँ पे जो कि बच्चे वहाँ से पढ़ करके 3 साल 4 साल के जो बच्चे हैं तमपुर रोड में आकर के गाड़ी से आते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ से पैदल जाते हैं। बताइए, थोड़ा बहुत पानी रहता है, अभी तो पानी बहुत ज्यादा हो गया था। बाजार में स्थित बागेश्वरी रामबासी पीजी कॉलेज में आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नामांकन कराएं और छात्रवृत्ति का लाभ भी उठाएं। छात्र छात्रा के लिए यथोचित खेल सुविधाएं तथा पढ़ने के लिए अनुकूल और शांत वातावरण, सभी विषयों के योग्य एवं अनुभवी और समर्पित शिक्षक, तो फिर देरी किस बात की, अभी अपने बच्चों का नामांकन करें। आपको बताते चले कि तमकोहिरा तहसील के बड़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव पिपरा घाट एतमाली में देवनारायण टोला से उपाध्याय टोला जाने वाली सड़क में कुछ कष्टकारों की भूमि पड़ने के कारण उक्त मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस समस्या को हल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू के अगुवाई में तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर SDM को पत्र सौंपा। SDM विकास चंद ने मौके पर पहुंचे सभी पक्षों से बात कर सहमति बना मामले को हल करने की बात कही। सुनिए इस पर पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू ने क्या कहा। देवनारायण टोला से मुक्त मार्ग जीरो बंदा वाला पुल के पास से रास्ता आता जाता है, और रास्ता काफ़ी समय से आ रहा है, लेकिन इस समय वह बाढ़ से डूब गया है। हाँ, और कुछ लोग हैं जिसे उसको बाधित करते हैं कि यह रास्ता ऊँची ना हो, जब तक ऊँचा नहीं होगा तब तक उसके समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, यही मेन समस्या है कि वहाँ लोगों को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को भी इसके पीछे है कि भाई उसको नाव लगाने के वहाँ रास्ता ऊंचा हो जाएगा, उसके नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग उसी रास्ते से आते जाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? रामजी निषाद। आप कौन है? मैं प्रधान। किस गांव के? नारायण टोला, उपाध्याय टोला और शिव टोला के आने जाने का रास्ता पूरी तरह बाधित है। वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कष्टकारी की भूमि, परंतु वर्षों से वो रास्ता चल रहा है और लोगों के आवागमन का सिर्फ एक ही रास्ता है। बाढ़ के समय में या अन्य समयों में स्कूल जाने के लिए, बच्चों को दवाई खरीदने के लिए बाजार में, या यातायात पकड़ने के लिए अन्यत्र जगहों पर जाने के लिए, दूसरे देश प्रदेश में जाने के लिए भी एक वही रास्ता है जो जीरो तक के लिए आवागमन का एक साधन है। पिछले समयों में स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया, पंचायत किया, गांव के लेखपाल कांगो सभी लोग मौके पर गए, लेकिन उस रास्ते का हल नहीं हुआ। आज ये समूचा गांव SDM के पास आया है अपने प्रार्थना पत्र के साथ यह मांग करने कि जैसे भी हो वर्षों से चल रहे रास्ते को बनने दिया जाए, खरंजा या पिच निर्माण हो, जिससे आवागमन में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, चाहे बाढ़ के समय में चाहे अन्यत्र समयों में लोगों के आने जाने का रास्ता सुगम हो, यही मांग लेकर आए। SDM साहब ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर यानी इस हफ्ते में तो मौके का निरीक्षण करेंगे और देखकर उसके निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कराएंगे। अगर नहीं हुआ तो अगले हफ्ते में हम सब लोग पुनः यहाँ आएंगे और तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक वहाँ सड़क का निर्माण पूरी तरह शुरू नहीं हो जाए।